हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एनिमीज के बारे में। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट कर दे। आज के ये एनिमी कुछ अलग होने वाले हैं, क्योंकि आपने हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा एडवेंचरस और रोमांटिक एनिमे ही देखे होंगे, पर इस बार हमने ये टॉप 5 हॉरर एनिमे पर वीडियो बनाई है। सो नंबर 5 पर है एल्फिन लाइट। ये एक मांगा सीरीज है जिसे लायन ओकामोटो ने लिखा है। इसमें आपको सोशल एलिगेशन, आइडेंटिटी, प्रिजुडाइस, रिवेंज, अब्यूज, जेलेसी, रिग्रेट और द वैल्यू ऑफ ह्यूमिनिटी, इन सभी थीम पर यह एनिमे है। साथ ही में इसमें ग्राफिक वायलेंस, इमोशनल थीम्स जिसमें कैरेक्टर्स अपनी सोच किस तरह से बदलते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें। इस एनिमे के 13 एपिसोड्स है। ये पूरी एनिमे डाइक्लोनियस पर आधारित है, जो कि एक न्यूली म्यूटेड स्पीसीज है। वो ह्यूमन की तरह ही दिखते हैं, पर थोड़े डिफरेंस के साथ, जैसे कि उनके सिर पर हॉर्न्स लाइक प्रोट्रक्शंस होते हैं और उनके पास टेलीकिनेटिक इनविजिबल आर्म्स भी होते हैं। उन्हें वेक्टर्स बुलाया जाता है। इसमें लूसी एक मेन कैरेक्टर है जो कि एक वेक्टर होती है। उसे एक फैसिलिटी में बंद करते हैं जहां एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वो वहां से भाग निकलती है, पर उस समय वो जख्मी भी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सेकेंडरी पर्सनैलिटी बनती है। वो एक चाइल्ड की तरह बिहेव करने लगती है। लूसी जब वहाँ से भागती है तो वो वहाँ के 2 लोकल्स को मिलती है, कोयता और उसकी कजन युका। वो उसे न्यू के नाम से बुलाते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ फैसिलिटी में लूसी को पकड़ने के लिए सबसे खतरनाक स्पेशल असल टीम को भेजा जाता है, जो उसे हर हाल में मारना चाहते हैं। आगे नंबर 4 पर है वेंदे क्राई। ये एक जैपनीज मर्डर मिस्ट्री दोजिन सॉफ्ट विजुअल नॉवेल सीरीज है, जिसका प्रोडक्शन 7th एक्सपेंशन ने किया है। ये इतनी इंटरेस्टिंग एनिमे है, इस पर बहुत से गेम बने और वो बहुत ही फेमस हुए। इसे एनिमे के 3 सीजन बने, जिसके सीजन 1 में 26 एपिसोड है, सीजन 2 में 24 और सीजन 3 में 5, और आगे बहुत भी बन सकते हैं। ये है तो जैपनीज विजुअल नॉवेल गेम, पर इसे अदर मीडिया में युगोराशि वेंदे क्राई, युमिनोको वेंदे क्राई, सिसो निया वेंदे क्राई इस नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हमारी ये जो स्टोरी है वो एक फ्रिक्शनल रूलर विलेज की है, हिनामिजा। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस विलेज में रहने के लिए आया है, केची मायोबारा। वो यहाँ अपने न्यू फ्रेंड्स बनाता है, उनका क्लब भी ज्वाइन करता है। उस क्लब में मोस्टली कार्ड गेम्स और बोर्ड्स गेम खेलते हैं, साथ ही में पनिशमेंट गेम भी लूजर के लिए। विलेज में हर साल वातानागोशी फेस्टिवल होता है, जो कि लोकल गॉड को खुश करने के लिए या फिर थैंक्स करने के लिए मनाया जाता है। ओशिरो और केची 4 इयर्स तक एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि फेस्टिवल आने पर हर साल एक आदमी का मर्डर होता है और दूसरा आदमी मिसिंग होता है फेस्टिवल के इवनिंग में, और उसके एक दोस्त के साथ भी यही हादसा होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे है। सो आगे नंबर 3 पर फ्यूचर डायरी। इस जापानीज मांगा सीरीज को सकाई उसोनो ने लिखा है। इस एनिमे के 26 एपिसोड है। युकितोरो अमानो इसमें मेन कैरेक्टर है, जो कि एक 14 ईयर का लड़का होता है। वो अपने ही ख्यालों में होता है अकेला। उसका सिर्फ एक ही दोस्त होता है, डियोस एक्स मशीना, जो कि स्पेस एंड टाइम का गॉड होता है, और उसका असिस्टेंट मुरो मुरो डियोस युकितोरोस के फोन को एक फ्यूचर डायरी में बदलता है, जो कि फ्यूचर बताती है 19 डेज तक। युकितोरोस को पता चलता है कि वो एक सर्वाइवल गेम में, जिसे ड्यूस ने बनाया। उसे मिलाकर इसमें और 11 पीपल होते हैं जो कि इस सर्वाइवल गेम में होते हैं। इस गेम में आपको अदर डायरी होल्डर को एलिमिनेट करना होता है,
युकी तेरो को पता चलता है कि उसकी क्लासमेट यूनो गासिया उसे प्रोटेक्ट कर रही है। यूनो एक चार्मिंग गर्ल होती है। उसका उससे किसी बात पर झगड़ा होता है। वन ईयर एगो इसमें दो सबसे बड़े प्लेयर होते हैं, मैनिने ओरियो जो कि सभी रिलीजन को ख़त्म करना चाहता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट एक वॉर में मर गए, और केगो कुरुसो एक पुलिस ऑफिसर जो कि इस गेम का एंड करना चाहता है। नंबर टू पर है कॉस्प्ले पार्टी। ये एक सर्वाइवर हॉरर एडवेंचर एंड डोजन सॉफ्टवेयर वीडियो गेम सीरीज है। ओरिजिनली क्रिएटेड बाय मोकोतो केदोइन एंड डेवलप्ड बाय टीम ग्रीस ग्रीस। इसकी जो स्टोरी है वो एक ग्रुप पर है जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट होते हैं। वो स्कूल कल्चर फेस्टिवल के बाद एक दूसरे को गोस्ट की स्टोरी बताते और कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहते, जिसकी वजह से अगर कोई उनका क्लासमेट सबसे दूर जा रहा है, अकेला रह रहा है, तो वो सबके साथ आ जाएगा। पर तब भी एक अर्थक्वेक आता है और वो सभी वहाँ से एक अल्टरनेट डायमेंशन में जाते हैं, स्कूल हाउस में जो कि भूतों से भरा पड़ा होता है, उन लोगों से जो वहाँ कैद थे। इसमें मेन प्लेएबल कैरेक्टर सोताशी मुचिड़ा जो कि काइंड हार्टेड हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिसे उसके क्लासमेट चिढ़ाते उसके क्राउडली नेचर की वजह से। इसे और थ्री कैरेक्टर्स है जो कि सोतोशी के क्लासमेट्स होते और उनकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी। युका मुशिरो जो कि सोताशी की यंगर सिस्टर है वो भी इसमें शामिल होती है। इसमें एक रेड घोस्ट लिटिल गर्ल है जिसकी किसी गलत वजह से डेथ होती है और वो उसका बदला चाहती है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे है। सो लास्ट बट फर्स्ट नंबर वन पर है अनदर। नाम से ही अलग, ये एक मिस्टीरियस हॉरर नॉवेल है जिसे युकोतो आयातिशुजी ने लिखा है। इसके 12 एपिसोड है जो कि पीए वर्क्स ने प्रोड्यूस किए है। इन 1972 मिसाकी पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ योमिया नॉर्थ मिडल हाई स्कूल क्लास 33 उसकी अचानक से डेथ होती है स्कूल के दौरान ही। पर किसी वजह से स्टूडेंट और टीचर ऐसा बिहेव करते हैं कि मिसाकी अभी भी जिंदा है, जो कि उन्हें ग्रेजुएशन फोटो में उसकी प्रेजेंस दिखाती है। इन स्प्रिंग 1998 कोइची साकाकीबारा जो कि योमियो या मासा क्लास 33 में ट्रांसफर होता है, उसकी मुलाकात मी मिसाकी से होती है। वो एक शांत स्टूडेंट होती है, उसकी वजह से क्लासमेट और टीचर्स उसे इग्नोर करते हैं। उस क्लास में कुछ समय बाद ऐसे स्ट्रेंज फिनोमिना होने लगते हैं। क्लास के स्टूडेंट और उनके रिलेटिव्स डेड होने लगते, वो भी खतरनाक और भयानक तरीके से। उन्हें लगता है कि ये सभी मिसाकी ऑफ 1972 से रिलेटेड है, जो कि हर साल की 33 स्टूडेंट के साथ होता है। कोइची और मी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा, जिसकी वजह से और किसी की मौत नहीं होगी और खुद की भी। ये बहुत ही मिस्टीरियस एनिमे है, इसे आप जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे और इंटरेस्टिंग एनिमे के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो।